हेलो, गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और इस सीज़न में मैं पहली बार बना रही हूँ कटहल की सब्ज़ी, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये कटे कटाए ही आए थे मार्केट से, ऐसे के ऐसे। मैं छोटे थोड़े और बाइट कर ली, थोड़े बड़े बड़े थे। सबसे पहले मैं इनको कर लेती हूँ फ्राई। फ्राई करने के बाद ही कटहल की सब्ज़ी बनाई जाती है और काफ़ी अच्छी लगती है मेरे को। स्पेशली मेरे को तो इतनी पसंद है कटहल की सब्ज़ी, बट हमारे यहाँ पर बहुत ही कम बनाते हैं क्योंकि बच्चे नहीं खाते। तो फिर सोचते हैं कि बच्चे नहीं खाएंगे तो क्यों बनाएं। तो यहाँ पर मैं प्याज को अच्छे से, मतलब बड़े बड़े स्लाइड में काट लूँगी, और उसके बाद तब तक मेरे कटहल हैं वो फ्राई हो जाएंगे। मतलब फ्राई इतने कर लेने हैं क्योंकि वो पकते काफ़ी देर में हैं, तो मैं इतना फ्राई कर लूँगी ताकि जब भी इनको जैसी सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करूँ तो जल्दी गल जाएँ, गलेंगे नहीं अदरवाइज। तो यहाँ पर मैं प्याज को काट रही हूँ, उसके बाद टमाटर की ग्रेवी बनाऊँगी, लहसुन अदरक वगैरह काफ़ी चीज़ें डालनी पड़ेगी, वो आप सबके साथ में शेयर कर दूँगी। और सर पे दुपट्टा इसलिए नहीं ओढ़ रही हूँ क्योंकि मैंने जो स्मूथनिंग करवाई ना, उसके बाद सर पे दुपट्टा रुकता ही नहीं, इतने ज़्यादा मतलब हेयर स्मूथ हो गए हैं। तो धीरे धीरे हैबिट होगी मेरे को, मतलब हैबिट है नहीं बट सर पे दुपट्टा रखते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा अजीब लगता है। बट अभी घर पर कोई नहीं है तो कर लेते हैं, बच्चे हैं बस, कोई इतना आना जाना नहीं होता। पापा जी होते थे ना उस टाइम पर, ज़्यादा दिक्कत होती थी, कोई ना कोई आता रहता था घर पे। तो बस मैंने यहाँ पर प्याज को चॉप कर लिया है, उसके बाद फटाफट से तड़का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे ये जो कटहल था ये फ्राई हो चुका था, तब तक मैंने प्याज काटे थे, और साथ साथ में मैंने दूध गर्म भी रख दिया है ताकि साथ साथ दूध गर्म भी हो जाए। तो गाइज, इसी कढ़ाई को मैंने साफ़ करके दोबारा से रख दिया है। तो यहाँ पर तेल डाला, तेल के बाद इसमें थोड़ा सा जीरा, जीरा सुनहरा होने के बाद जो प्याज काटे हुए थे वो प्याज सबसे पहले इसके अंदर 2-3 तेज पत्ते डालने हैं, और तेज पत्ते डाल दिए हैं, और छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, बिल्कुल छोटा सा डालूंगी क्योंकि किसी के मुंह के अंदर आ जाएगा ना फिर नखरे करेंगे। तो दालचीनी थोड़ी सी डाली है, और एक्स्ट्रा तेल मैंने निकाल दिया था कटोरी के अंदर क्योंकि ज़्यादा तेल नहीं डालना है, फ्राई हो चुके हैं और ज़्यादा तेल हो जाएगा तो फिर अच्छे नहीं लगेंगे। प्याज को मैंने अच्छे से डाल दिया है, सुनहरा होने तक भुनेंगे, और उसके बाद अदरक और लहसुन का जो पेस्ट था वो भी मैंने खलबत्ते से अच्छे से कूट लिया था, देख सकते हैं आप। अभी इसे सुनहरा होने तक भूनेंगे, कच्ची नहीं रखनी है। और यहाँ पर चाय बना रही हूँ क्योंकि अभी जज की नाइट ड्यूटी लगी हुई थी, तो चाय अभी इसी टाइम उठेंगे तभी पियेंगे चाय। तो यहाँ बस प्याज भी सुनहरा हो चुकी है, टमाटर की ग्रेवी बनाई थी इसी के अंदर मैंने 2 हरी मिर्च को भी पीस दिया था, तो बस इसी ग्रेवी को इसके अंदर डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद सूखे मसाले डाल देंगे इसके अंदर, सूखे मसालों में क्या क्या जाएगा वो भी आपको मैं दिखा देती हूँ। और इस तरीके से अगर आप सब्जी बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका बताया है, बहुत ही ज़्यादा ग्यारह टेस्टी बजे से बनती घर है। ले अलार्म, तो यहाँ सात पर मैंने बजे सबसे ग्यारह पहले बजे आधा चम्मच आराम, हल्दी डाला है, बारह तो हल्दी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फिर मैंने बेस्तान हरी तो मिर्च बार बार डाल के दिया जाने है, हरी पड़ेगी मिर्च पहले ही। आप अपने अकॉर्डिंग डाल लें, अगर आप हरी मिर्च नहीं डाल रहे हैं तो लाल मिर्च ज़्यादा डाल वाली सकते हैं, वाली ये बट अगर लाल हरी मिर्च डाल रहे हैं तो लाल मिर्च को आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि बच्चे हैं। वैसे तो बच्चे खाते तो नहीं हैं बट फिर भी थोड़ा बहुत खा भी ले तो इसमें आप अपना नमक स्वाद अनुसार डालें। धनिया पाउडर डालना है, बस सिंपली यही 3-4 मसाले डलते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं डलता। लास्ट में आपको गरम मसाला डालना है, जब तक सब्जी को अच्छे से पक जाए उसके बाद जब उतारने को उससे पहले आपको सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाना है गरम मसाला डालकर। अदरवाइज सब्जी में कभी भी गरम मसाला पहले ना डालें, उसकी जो सुगंध होती है वो चली जाती है। तो यहाँ पर बस लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया है मैंने, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं डाला है, अच्छे से मिक्स हो चुका है। और ग्रेवी तेल छोड़ना स्टार्ट कर दी, उसी के बाद आपको पानी और ये ऐड करना होता है, अदरवाइज जब तक ग्रेवी तेल नहीं छोड़ती तो वो ग्रेवी कच्ची मानी जाती है। तो अच्छे से ग्रेवी तेल छोड़ना स्टार्ट करें, तब तक इसे अच्छे से पकाते रहे, चलाते रहे। तो देख सकते हैं ग्रेवी तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, उसके बाद मैं डाल दूंगी इसके अंदर पानी। तो पानी मैं मिक्सी जार को ही अच्छे से धोकर डाल देती हूँ जिसमें हमने टमाटर की ग्रेवी बनाई थी। तो बस पानी डाल दिया है, अब इसके अंदर जो हमारे कटहल के फ्राई किए हुए थे वो डाल देंगे, और 10 मिनट के अंदर पककर हमारी सब्जी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं बना रही थी अभी खाना, फटाफट से रोटियाँ सेक लेती हूँ, सब्जी मेरी बनकर रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर बच्चे रेडी हो रहे हैं स्कूल के लिए, मैं उनके लिए फटाफट लंच बना देती हूँ। बच्चों के लिए पराठे बनाने पड़ेंगे क्योंकि बच्चे ये सब्ज़ी नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मैं पराठे बनाऊँगी। बच्चे अभी रेडी हो रहे थे, दूध वगैरह मैंने बिलो दिया था,
सब्जी बनाने के बाद दूध वगैरह भिगोया, मक्खन वगैरह निकाला, उसके बाद आटा लगाने के बाद मैं बनाने लग गई थी यहाँ पर रोटियाँ। बच्चे रेडी हो चुके हैं, खाकर कुछ नहीं जाते, सुबह दूध पीते हैं, बस दूध के साथ बिस्किट वगैरह हो तो ले लेते हैं। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में अभी कुछ नहीं खाकर जाते, गोंद के लड्डू भी रखे हुए थे बट नहीं खाते हैं, कभी खा लेते हैं मन करे तो। अभी इनका लंच वगैरह पैक कर देती हूँ, उसके बाद ये निकल जाएंगे, उसके बाद मेरे घर के काम स्टार्ट होंगे। फाइनली बच्चों का लंच बन गया था, पैक कर कर भेज दिया है, बच्चों को सभी निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं मौसम भी थोड़ा सा है और सारा घर बिखरा पड़ा है। अभी ये जाने के बाद ही मैं समेटना स्टार्ट करूँगी, हस्बैंड भी जाएंगे, उठ गए हैं, फ्रेश वगैरह होंगे, नहाएंगे, उसके बाद वो भी निकल जाएंगे। तब तक मैं फटाफट से ये समेट लेती हूँ। तो गाइस देख सकते हैं आप सुबह सुबह कितना बिखरा हुआ होता है, मेसी रहता है। और अभी मुझे कपड़े भी सारे सुखा दिए हैं, कपड़े उतारूंगी आकर ही, क्योंकि अभी निकलना है। आज मौसी सास के यहाँ पर गीत मतलब जो गाना स्टार्ट हो गए हैं, वो गाना स्टार्ट हो गए हैं, तो वहाँ पर जाऊँगी, तो हम पहले ही जाते हैं। अदरवाइज औरतें तो 1 बजे आना स्टार्ट होती हैं। तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ अपना लंच। तो लस्सी है, चटनी है, आलू और इसकी सब्जी है। आज फाइनली रेडी हो चुकी हूँ और मैंने पहना है लहंगा लुगड़ी, और ये साड़ी का मतलब लहंगा लाचा बनाया हुआ था। तो कैसा लुक लग रहा है पूरा लुक मैं आपको दिखाती हूँ मोची सास के घर जाकर। तो फाइनली ये है मेरा पूरा लुक, आपको कैसा लगा? और बाहर का एंजॉय कीजिएगा आप। गाइस जो अभी टाइम हो गया है वो 5 बजे का हो गया है। वहां से मैं 3 बजे आ गई थी पशुओं को चारा वगैरह डालने के बाद। आज मेरे सर दर्द हो रहा है, जुकाम हो रही है, जुकाम पता नहीं कल कैसे हो गई थी। और बेटी का यहाँ पर काम करवा रही,
तो गाइस जो अभी टाइम हो रहा है वो 5 बज गए हैं और मैं 3 बजे आ गई थी वहां पर। आज गीत वगैरह जो गए थे थोड़े बहुत ही था, फर्स्ट डे था आज। और बेटी भी स्कूल से आ गई थी, ये 2 बजे आ गई थी, तो ये सीधा उन्हीं के घर चली गई थी क्योंकि मौसी का घर बिल्कुल नजदीक है। और मेरी तबीयत आज थोड़ी सुबह से ही खराब हो रही है, काम करते करते वहां पर मैं चली गई थी और मेरे को जुकाम हो रहा है, जुकाम की वजह से सर दर्द भी हो रहा है। थोड़ा सा लेटी थी लेकिन आंख नहीं लगी, नींद आ रही है बहुत ज्यादा तेज वाली, बट आग नहीं लगी। अभी मैं बनाऊंगी चाय, चाय अच्छी सी चाय वगैरह पीने के बाद बर्तन साफ करूंगी, फिर देखती हूँ क्या करूंगी। पहले इसका काम करवाऊंगी, स्कूल का होमवर्क कर रही है। करो गो, यहाँ पे A4 एप्पल, B4 बोल, यहाँ पे C4 कैट आएगा, लिखो फिर। फोर कैट पहले करके इरेज करो इसको, नहीं इसको डी को, डी को देखो अच्छे से इरेज करो। C4 कैट लिखो, सी फोर कैसे कहते हैं? D4 कैट। तो गाइज यहाँ पर बेटी का काम करवाने के बाद मैंने चाय बनाना स्टार्ट कर दी है और काफ़ी तेज़ भूख लगी हुई थी, तो साथ साथ में रोटी भी खा लेती हूँ। तो बस इसी के अंदर, छोटी सी प्लेट के अंदर ही रोटी और उसके ऊपर सब्जी रखकर बस मैंने खाना खाना स्टार्ट कर दिया है, और उसके बाद चाय वगैरह पियेंगे, बर्तन वगैरह साफ़ करेंगे। तो आज के व्लॉग को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। आपको गीतों का कैसा लगा, इंजॉय की क्या होगा? आपने काफ़ी हंसी मजाक के साथ आए थे वो, और वो जेंट्स थे जो मतलब डांस कर रहे थे, गा रहे थे, काफ़ी अच्छा डांस किया और काफ़ी इंजॉय भी हुआ आज, अच्छा लगा। बट मेरी आज तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। तो होप यू आपको व्लॉग पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।